देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ईश्वर देव सिंह एवं नेता अमर बहादुर सिंह से सर्जिकल स्ट्राइक पर किया गया वार्ता। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट है। अभी खुशियां मनाई जा रही थी ये सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो आइए जरा सा जाना चाहेंगे। सर जी आपका पूरा परिचय बताएं फिर से। ईश्वर देव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा जौनपुर जी। अभी आप सब खुशी मना रहे थे सर जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है इससे भारत के देशवासी, पूरे देशवासी प्रसन्न हैं? बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं जी। और आप जब भी देखते हैं जी, जो मीडिया के लोग चैनल से जो आप बातें आ रही हैं जी, कि बच्चा बच्चा जो है जी, देश के त्याग के लिए, बलिदानी सैनिकों के लिए जी, और अभी जो हमारे बहुत जो प्लेन के द्वारा, तीन प्लेन के द्वारा जो भारत ने अटैक किया जी, भारत के सेनानियों के खिलाफ जी, लेकिन अभी आपने देखा जी कि तो उसका नाम है अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन जी, अभिनंदन ने जी MiG-21 और MiG-21 को F-16 करके और उनके दो अड़ाकू विमानों को पीछा करके जी भीतर मार गिराया जी। और जब वह अपना प्लेन यह हुआ, ग्रस्त हुआ जी, तो नीचे वह कूद गया जी। और वहाँ लोगों ने, जब लोगों ने घेरा जी और उनके कागजात को जब्त करना चाहा जी, तो वहाँ तालाब के अंदर तैर करके भीतर गया जी, और सारे कागज को नष्ट कर दिया जी, और कोई प्रमाण उनको नहीं मिला जी। बाद में गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज हुई जी कि मोदी जी की कूटनैतिक जी सफलता थी जी, कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश के, दूसरे देश के व्यक्ति को गिरफ्तार करके वापस भेजा गया, और बहुत जल्दी जल्दी जी जी, इतने जल्दी गिरफ्तारी के बाद उसको रिहा किया गया जी, ऐसा जी कहीं नहीं हुआ जी जी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि यह मुस्लिम जो मंच था जी, उसमें ऑनरेरी हमारे देश के जी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का जी बुलाया गया जी, और उसमें सुषमा स्वराज जी ने अपने भाषण से जी पूरे अरब कंट्रीज के लोगों को ऐसा भाषण दिया कि सारे लोग हम लोगों के साथ खड़े हो गए जी। और पाकिस्तान तो इतना उसका कूटनीतिक पराजय हुई जी कि वह स्वयं जी उस सम्मेलन में नहीं गया, जबकि मुस्लिम सम्मेलन था जी और सारे अरब कंट्रीज के लोगों गए जी। लेकिन भारत ने पहली बार यह सफलता प्राप्त की कि जिस उस मंच में हमको बुलाया गया ऑनरेरी मेहमान के तौर पर जी सुषमा स्वराज को बुलाया गया जी। तो निश्चित रूप से देश के स्वाभिमान को बढ़ाया गया है जी। और निश्चित रूप से जो हमारे लोगों ने आक्रमण किया है जी, और हमने जनता को मारने की बात नहीं की, वहाँ के सेनाओं को मारने की बात नहीं जी, हमने केवल आतंकवादियों के जो गढ़ को समाप्त करने की बात की। और आपने देखा कि रात के समय जी केवल 18 मिनट में के अंदर जी इतना गोलाबारी करके जी उनका जो नेटवर्क था जी जी जहां वो प्रशिक्षण देते थे, सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जी। और यह इस देश का सबसे बड़े स्वाभिमान को आगे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि मैं जो
हमारे 40 सैनिकों की हत्या किया है, मैं एक एक सैनिक का बदला लूंगा जी। और आज देश बहुत प्रसन्न है, देश के सैनिक, देश के लोग, पूरी छूट उन्होंने दे दिया सैनिकों को जी। कि आपको पूरी छूट है। और तीनों जी जो हवाई जी जो जल सेना सबको उन्होंने छूट दे दिया और सबने बहादुरी के साथ जी और देश के स्वाभिमान की रक्षा की जी। आप सभी इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, यह देश निश्चित रूप से आप अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ा है और देश का हर नौजवान आज भारत माता की जय बोल रहा है और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सब तैयार है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप सर प्रसन्न हैं जो ये कार्रवाई हुई है, जो हमारे भारतीय सेना ने मारा है आतंकवादियों को पाकिस्तान में? हाँ, एकदम प्रसन्न। आपका शुभ नाम सर? अमर बहादुर सिंह। देखे अभी देखे बाबू ईश्वरदेव सिंह साहब और बाबू अमर बहादुर सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं बाबू ईश्वरदेव प्रसाद सिंह जी। और अभी बात आपने कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की है उससे पूरा भारत प्रसन्न है और मोदी जी का लोग लोहा मान रहे हैं पूरा विश्व। तो आइए, मैं विनय गुप्ता, अकेला फास्ट न्यूज इंडिया, आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद। जौनपुर के जलालपुर के भिटवा धूरपुर क्षेत्र में तमाम जनता, दुकानदारों, राहगीरों इत्यादि आम आदमियों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सलाह के अनुसार पेनल पंचायत सुलह समझौते से अयोध्या मामले में लोगों से किया गया वार्ता। आइए जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। तो आइए जानना चाहते हैं, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है कि पंचायतन जो है कि उसका निराकरण किया जाए राम जन्मभूमि का, तो राम जन्मभूमि के लिए हमारे जनता जनार्दन क्या विचार देशवासियों का जाना चाहेंगे? सर आपका परिचय बताएं। अब हम अपन अपना परिचय बताइए, बोल कहा बोलिए, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। हमारा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, तो बताइए अब्दुल मजीद जी कि जो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई पंचायत के सब मेंबर को रख करके कि उनके चयन से मंदिर मस्जिद का फैसला हो, तो आप उसे सहमत हैं? हाँ सहमत है भाई। जो पंचायत में होगा, जो पंचायत कहे वही होगा। धन्यवाद। आपका परिचय सर? का हाल चाल है आपका? परिचय मनाई है। एक थे और परिचय का तो मनाई है, तो बताइए मनाई अयोध्या में जो राम मंदिर का जो मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा है जज ने कि पंचायतन फरियाया जाए, तो आपका क्या ख्याल है? और ये भाई पंचायत के आजकल दुनिया के माने के तैयार ना है जी। कोर्ट का सब शरण ले था, कोर्ट का निर्णय सही उचित बात जी। धन्यवाद। हाँ सर आपका परिचय? बताओ आपका नाम बताऊँ? कमलेश। अच्छा कमलेश कुमार जी, बताइए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित था, उन्होंने अभी पंच रखा है आदरणीय रविशंकर जी वगैरह को, उसमें कई मुस्लिम भाई भी हैं, तो क्या आप सहमत हैं कि पंचायत से फरिया जाएगा अयोध्या मसला? हम तो ये सोचते हैं कि मंदिर का मुद्दा ही खत्म करके, पहले बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा है, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है जी, ये तो राजनीति करने का एक केवल एक मुद्दा बनाया गया है। पहले पेट भरा रहेगा, पहले जो जरूरी काम है ठीक वो होना चाहिए। सही सत्य सत्य बात, मंदिर कोई मतलब नहीं है, ये तो राजनीति करने का एक भाजपा का वो मुद्दा है ठीक जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मंदिर कोई मतलब थोड़ी। हाँ मुन्ना भैया ये बताएं कि मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, खेल का मैदान क्या चाहते हैं अयोध्या में आप? अयोध्या में सबसे बड़ी बात हमारे देश में आरएसएस और भाजपा खत्म हो जाए, सारा मंदिर मुद्दा सब हल हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दुकानदार भाई साहब आपका नाम बताइए। अच्छा ये बताएं कि अयोध्या में आप क्या चाहते हैं, कि अस्पताल बने, कि खेल का मैदान बने, कि कंपनी बने, कि मंदिर बने, कि मस्जिद बने?
जिसे इच्छा मतलब सरकार की हो, जिसे इच्छा सुप्रीम कोर्ट की हो। धन्यवाद, आप कानून को मानते हैं। सर आपका परिचय? अच्छा, ये बताएं कि अयोध्या में जो चल रहा है मसला, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे पंचायत से लोग फरिया लें, तो क्या आपको पंच बनाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हमको पंच बनाएंगे। वो मान लीजिए आपसे कहा, पूछा गया कि भाई साहब वहाँ क्या बनना चाहिए? बनाएंगे वो अपने पंच रहेंगे, अपने समझौता करें, अपने खुद करें, हमारे किसान। धन्यवाद धन्यवाद, सही कह रहे हैं, आपसे कुछ मतलब नहीं है, आपको खाली चाहिए रोटी। धन्यवाद, हमारे भारतीय किसानों को रोटी चाहिए। आपका परिचय सर? अच्छा, शमसुद्दीन साहब बताएं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पंचायतन समझौता कर लें। भाई देखिए, हमारे मर्जी से थोड़ी होने वाला है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही करेगी, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग का कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, तो हम लोग कहके करेंगे क्या? धन्यवाद। देखिए, जनता जनार्दन ने यही बात कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ले, और जनता को रोटी और विकास चाहिए। जनता को मंदिर मस्जिद से बहुत मतलब नहीं है, कोई नहीं। और सभी मंदिर मस्जिद क्या है, कुछ नहीं। भाजपा जो है मंदिर के आड़ में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का शोषण कर रही है, ठीक। सारे अधिकार मंदिर के नाम पर सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हम लोगों को नहीं, गरीब जनता इस समय केवल 5% जनता, ठीक, 5% जनता के लिए काम हो रहा है, ये समझ लीजिए। हमारे गरीब, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ये समझ लीजिए, सबके साथ साजिश हो रही है, साजिश। मंदिर का मुद्दा लाके हम तो पूछने, वो कह रहे थे हम सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, मैं पूछना चाहता हूँ वो बताएं कि पहले 50 सैनिक मरे कैसे, ये साजिश है, ये चुनावी उनका स्टंट है। ये आज तक कश्मीर में सबसे बड़ा हादसा, ये सबसे बड़ी घटना हुई है। उनके पास इतनी एजेंसियां हैं, ठीक, इतनी जांच एजेंसियां, इनपुट था वो उपलब्ध, हवाई जो उनके कोई साधन उपलब्ध है, हवाई मतलब साधन मांगे वो लोग, वो उपलब्ध नहीं कराए। बताया पहले इसकी जाँच होनी चाहिए कि हमारे सैनिक मरे कैसे इतने। बहुत धन्यवाद भैया। अभी देखिए, जनता जनता यही कह रही है भाई कि किसी को मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, विकास चाहिए और भाईचारा, एकता चाहिए। और साजिश कर करके, राजनीति कर करके लोगों को भिड़ाना अच्छा नहीं है। अब जनता समझ गई, ये भाजपा चलने वाली नहीं है, साजिश करके चुनाव वोट नहीं पाए। तो बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद। मैं विनय गुप्ता, अकेला इंडिया, नमस्कार। गुजरात, पश्चिम बंगाल में सातों चरणों में होने वाली चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों में भी सुगमगाहट तेजी से हो गई है। रानीगंज पीर बाबा की मजार पर आसनसोल मेयर सिंह विधायक जितेंद्र तिवारी ने चादर चढ़ाया। उनके संग विधायक के पूर्व विधायक सोहराब अली, काउंसलर कंचन तिवारी, अंडाल ब्लॉक प्रेसिडेंट पंडेश्वर व क्षेत्र के सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेयर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब मैं अस्वस्थ था, तो उस समय सभी ने मन्नत मांगी थी, इसीलिए हम सभी लोग आज बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने आए हैं। अब देखने की बात होगी कि पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर किस पार्टी को बहुमत मिलती है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। रानीगंज विधानसभा के सारे नेता, आप देख रहे हैं, हमारे एक्स एमएलए हैं, हमारे एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे सारे काउंसलर हैं, एमआईसी हैं, अंडाल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कर्माध्यक्ष हैं। रानीगंज विधानसभा के सारे नेता एवं उसके साथ साथ पांडेसर के कुछ लोग हैं जिन्होंने मन्नत किया था जब मैं अस्वस्थ था उसमें, हम सारे लोग मिलकर आज चादर चढ़ाने के लिए आए थे। और आज से रानीगंज से हम लोग, मैंने हमने राज्य के मुख्यमंत्री को ये वादा किया है कि रानीगंज विधानसभा से कम 20,000 लीड हम लोग के लोकसभा का जो भी प्राप्ति होगा उसको हम यहाँ से दिलाएंगे। और इस शुभारम्भ, ये अच्छी है जो हम लोगों ने ये संकल्प किया है, उसका शुरुआत आगाज हाजिर हम लोगों ने यहाँ से किया है। कल बात देखे, परसों फिर हम लोग रानीगंज में जो मथुरा चंडी मंदिर है, वहाँ हम सारे लोग, सारे रानीगंज के कार्यकर्ता हम लोग वहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं। परसों 11 बजे मथुरा चंडी मंदिर में हम सारे लोग एक साथ मिलकर पूजा करेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पर आशीर्वाद लिया और आने पीर बाबा का आशीर्वाद लिया, और आने वाले दिनों में रानीगंज पर जो फ्लेम लगाया गया है उससे हम लोगों को निजात मिलेगी, और रानीगंज से कम 20,000 लीड हम लोग
राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देंगे। सर आपने पांडेश्वर जैसे लाल दुर्ग को ध्वस्त किया है, क्या रानीगंज जैसे लाल माकपा के लाल दुर्ग को ध्वस्त कर पाने? मैं ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा नहीं था, मैंने और उसने नहीं होता है, हम सारे लोगों ने मिलकर किया था। पांडेश्वर में भी हम सारे लोगों ने मिलकर किया, यहाँ पर भी हम सारे लोगों ने मिलकर करेंगे सब कुछ। सर आसनसोल लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में आपको देखा जा रहा है, दायित्व अगर लिया जाता है लोकसभा का उम्मीदवार व्यक्ति कोई बड़ा बात नहीं है, ममता बनर्जी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिता कर भेजेंगे। कुशीनगर के जिला कश्या तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सखवनिया खुर्द के कोटेदार द्वारा ग्रामीणों से कार्ड वितरण के नाम पर 20 रुपए प्रति कार्ड अवैध वसूली किया जा रहा है। मौके पर पहुंची फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने बात करते हुए ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि भी कर दिया कि फास्ट न्यूज इंडिया की से बात करते हुए ग्रामीणों ने मुर्तजा मोहम्मद शहीद व जय नारायण प्रसाद ने बताया कि हमसे कार्ड के लिए 20 रुपए ली जाती है। इस बाबत जब कोटेदार से बात की तो कोटेदार ने इस पे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि केवल 10 रुपए प्रति कार्ड धारकों से लिया जाता है जो कि सरकारी चार्ज है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता धनंजय दुबे की रिपोर्ट। टोले नारायणपुर है जहाँ कोटेदार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है और आज जब लोग राशन लेने आए हैं तो कोटेदार द्वारा मना किया है कि आज राशन नहीं मिलेगा, मशीन खराब है और राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि 20-20 रुपए लेकर राशन कार्ड दिया जा रहा है। आइए कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। हाँ जी, आपको कार्ड मिला है? जी। कितने रुपये लगा है? 20 रुपया। तो आप पूछें कि कैसा पैसा ले रहे हैं? कार्ड है, कार्ड का पैसा ले रहे हैं। और कोई किसी ने पैसा दिया है? हाँ, एक और चाचा जी साथ हैं। कितना पैसा दिए हैं आप? दो कार्ड के 40 रुपया। 40 रुपया। आप सब लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, बोलिए। हम तो दिए हैं। तो आप दिए हैं, और कोई भी कार्ड का पैसा दिया है भाई? हाँ, आप कितना पैसा दिए हैं? 20 रुपया दिया है। 20 रुपया दिए हैं। पूछे नहीं है कैसा पैसा ले रहे हैं? कार्ड के लिए। कार्ड के लिए ये सरकारी चार्ज है कि प्राइवेट, ये पूछे हैं आप? कार्ड पैसा दिया। तो यहाँ पे 20-20 रुपया लेकर कार्ड दिया जा रहा है और कोटेदार भी सामने बैठे हुए हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। हाँ सर, जो ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं आप पे कि 20-20 रुपया लेकर कार्ड, ये कौन सा चार्ज है? 10 रुपया कार्ड चार्ज है। अभी सामने आपके कह रहे हैं कि 20 रुपये कह रहे हैं, रहने दीजिए, क्या कहेंगे जवान को छोड़े रोक के। 10 रुपया कार्ड, 10 रुपया कार्ड, 10 रुपया जो चार्ज है वह कैसा चार्ज है? सरकारी चार्ज। सरकारी चार्ज है तो यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि 20 रुपये लिया जा रहा है। सामने आपके कह रहे हैं। हाँ, कितना दिया है आप? वो तो कह रहे हैं 10 रुपया लिए हैं। 20 रुपया। तो यहाँ पे ग्रामीण जो कि आरोप लगा रहे हैं 10 रुपये 20 रुपया दिए हैं और कोटेदार द्वारा सीधा सीधा कहा जा रहा है नहीं 10 रुपया दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के फेवर में काम कर रही है, वहीं ग्रामीण जो कि गरीब जनता है। आइए हम और कुछ महिलाएं, आप लोगों से भी पैसा मांगा गया है कार्ड के लिए? क्योंकि ये लगभग दलित बस्ती के महिला हैं और यहाँ पे 10-10 रुपया ही कार्ड को देना है, तो भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन ग्रामुद्दीन के साथ धनंजय दुबे, फास्ट न्यूज इंडिया, कुशीनगर। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के बजरंग पीजी कॉलेज दादर आश्रम के इस परीक्षा केंद्र पर बीए और बीएससी की परीक्षा शांतिपूर्वक वातावरण में चल रही है। अब तक बीए समाजशास्त्र गृह विज्ञान के विषयों की परीक्षाएं नकल रोकने की कठोर व्यवस्था के बीच संपन्न हो चुकी है। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षण करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर सचिनानंद मिश्रा, डॉक्टर अनिल कुमार बड़ी शक्ति के साथ निरीक्षण किया जहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। इसी दौरान ब्रजेश कुमार सिंह, अंबुज कुमार सिंह, बड़े बाबू दूधनाथ यादव, सत्येंद्र तिवारी, हरिंद्र यादव, मुन्ना शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बनिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की सबसे पीछे इसका भी सिक्का है, सबका सिक्का मेरे यानी कि जयप्रकाश पर बी एस सी है ना? आप उधर ना देखें, सीधा ताजी लोग समापन हो जाएगा ना, असमापन हो जाएगा ना, असमाप्त हो जाएगा कुछ। अच्छा, थर्ड ईयर वालों को समाप्त हो जाएगा, थर्ड ईयर वालों को हो जाएगा समापन ना सर? थर्ड ईयर का समापन हो जाएगा, थर्ड ईयर वालों का
अभी भी एसी वाला कब तक चलेगा? खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।